दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज, मैं आपको दूंगा एक नई जानकारी, एक नई भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके सामने। आज सन 2047 में पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे और जो नया देश बनेगा पाकिस्तान के अंदर उसका नाम होगा अपाक। आप सोचोगे ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, वो धर्म के आधार पर हुआ था, इस्लामिक राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र आधार पर पाकिस्तान इसके बावजूद भी के धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है, उसने अपना एक हिस्सा खो दिया बांग्लादेश के नाम पर। और बांग्लादेश जो है वो भी इस्लामिक कंट्री है, इसके बावजूद भी भारत का मित्र है, दोस्त अच्छा है। उधर बांग्लादेश लगातार तरक्की भी कर रहा पाकिस्तान की अपेक्षा। पाकिस्तान ने क्या किया, बस शुरुआत से ही 47 से लेकर के अब तक सिर्फ भारत के खिलाफ जहर घोलना, लगातार कश्मीर मुद्दे पर टैं 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 चर्चा करना, बस और कुछ नहीं। और उसने इसके नाम पर अपने आतंकवादी पाले, सांप पाले। अरे सांपों को पिलाओगे, दूध पिलाओगे तो वो तुम्हें करीब करीब तो काटेंगे, तो वही स्थिति आज इसके सामने आ चुकी है। अब थोड़ा पीछे हटते हैं हल्का सा हम। एक्चुअली क्या, पाकिस्तान में 4 स्टेट हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में 28 स्टेट हैं। पाकिस्तान में जो स्टेट है सबसे बड़ा वो पंजाब है। पंजाब स्टेट के का जो है ना पूरी उसमें रसूख है, चाहे राजनीति में का मामला हो चाहे सेना का मामला हो, पंजाब का 70% बोल वाला पंजाब के प्रांत वालों का है। वहाँ पठान लोग काफ़ी हैं। पठान लोग जो हैं वो खास तौर पर इनमें हैं जो पाकिस्तान के प्रांत हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, इनमें हैं वहाँ पर। अब और थोड़ा सा हटे हैं हल्का सा हम। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर एक अपनी कठपुतली सरकार बना दी थी और कठपुतली सरकार को संरक्षण देने के लिए वहाँ पर वेस्टर्न कंट्री की सेना भी थी, अमेरिका की, इंग्लैंड की और जर्मनी की, फ्रांस की सेना भी थी, कि ये सरकार बची रहे। पर उस सरकार का अफगानिस्तान पर मात्र 20% पर कब्जा था, उसमें शासन था। 80% पर शासन जो था वो अफगानी के में जो तालिबान थे उग्रवादी उनका था, उनकी हुकूमत चलती थी। अब वो अमेरिकी सैनिक को मारते थे, परेशान कर दिया, तो अमेरिका ने सोचा यहाँ से जान चाहे भागो, निकलो यहाँ से। तो उसने ना तालिबान को 200 मार दिया, यानी उग्रवादियों को, एक गुड टेररिस्ट एक बैड टेररिस्ट। तो जो मुल्ला उमर है उसको रखा और उसने अच्छे आतंकवादियों में, जो हाफिज सईद वगैरह उसने रखा उसको बुरे आतंकवादियों में। तो अमेरिका ने संधि कर ली तालिबान से, मुल्ला उमर से के साथ, कहे हम और तुम, हम यहाँ देश छोड़ के जा रहे हैं अफगानिस्तान को, हमें सेना जा रही है यहाँ से निकल के, और उस देश की शासन आप संभालिए। अमेरिका वहाँ चला गया, हालांकि अमेरिका गया है मजबूरी में, क्योंकि अमेरिका वहाँ हार रहा था लगातार दिन ब दिन, उसके सैनिक मर रहे थे वहाँ काफ़ी संख्या में, मजबूरी में उसने तालिबान को सत्ता सौंपी थी। उधर पाकिस्तान में भी पठानों ने अपना एक संगठन ला लिया, आतंकवादी संगठन, उसका नाम था TTP, तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान। और TTP का तालिबान के साथ जो अफगानिस्तान के थे उनके साथ गठबंधन हो गया, और उन्होंने तय कर लिया कि हम जो है एक पठानों के लिए अलग देश बनाएंगे। और वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तानी सरकार ने वहाँ पर अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है, पाकिस्तान की बाउंड्री है, वहाँ पर सीमा रेखा भी बना दी, वहाँ पर बाल बंदी भी कर दी। और इसने क्या किया, पाकिस्तान ने जो TTP है उनका जो देश का आतंकवादी संगठन है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान वाले, उन पर हमला किया वहाँ जाकर अफगानिस्तान में। वह इस बार तालिबान वाले भड़क गए, उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया अपने दायरे में रहो वरना हम तुम्हारे देश को तोड़ देंगे हम। TTP ने पाकिस्तान के अनेक फौजियों की हत्या की है, उनको अनेक जगह बम विस्फोट किए हैं। आज TTP से पाकिस्तान थर्राता कांपता है। और मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि इमरान खान है, शोएब अख्तर वगैरह हैं, ये सब पठान हैं, और जो आर्मी है उसमें पंजाबी आता है, तो वहाँ आपस में मतभेद हैं। यदि आज चुनाव होते हैं ना तो वहाँ इमरान खान पक्का जीतेगा। वहाँ पठानों की चाहते हैं कि हमारी एक बादशाहत हुकूमत कायम रहे, चुनाव नहीं हो पा रहे, चुनाव होंगे तो जीतेंगे, फिर आपस में पंजाबी बनाम पठान में वो होगी टकराहट। अब उन्होंने तय कर लिया है कि TTP ने और जो अफगानिस्तान का तालिबान है कि हम पठानों के लिए एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने मुहिम छेड़ दी है और तालिबान जो अफगानिस्तान में है उसे सयाम चेतावनी दे दी पाकिस्तान को कि आप अपनी जद में रहो वरना हम तुम्हारे दो हिस्से कर देंगे। और बलूचिस्तान में तो इनकी TTP का एक छत्रा चल रहा है, खैबर पख्तूनवा में इनका एक छत्रा चल रहा है। तो आज अपने चैनल के द्वारा आप बता रहा हूँ। और उधर भारत ने क्या किया, भारत ने उल्टा किया, भारत ने आतंकवाद को हमेशा विरोध किया है। भारत ने तालिबान के शासन में भी क्या किया, मानवीय सहायता दी अफगानिस्तान को, हालांकि पता थी उग्रवादी हैं फिर भी दी। कैसे, जैसे दवाई दी, अनाज दिया और उनको रोड बनवाई, सड़क बनवाई, बांध बनवाए, पुल बनवाए और वहाँ पे अनेक सड़कें बनवाई, कारखाने खुलवाए। तो भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए कार्य किए।
तो अफगानिस्तान के निवासी और तालिबान वाले भी जानते हैं कि भारत एक अच्छा देश है, भारत हमारा अच्छा शुभचिंतक देश है, और वहाँ के तालिबानी भारत से दोस्ती चाहते हैं और अफगानिस्तान से दुश्मनी रखते हैं। तो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए, 2047 में TTP और अफगानिस्तान तालिबान मिलकर के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रांत को आज़ाद कराएंगे और उस देश का नाम बनेगा अफपाक। और ये मैंने जो दी जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं, क्योंकि वहाँ सेना का बोलबाला है, सेना और पठान चल रही है जबरदस्त, और आखिरकार पठानों की जीत निश्चित होगी। पठान अपने जवान के और एक साहसी हिम्मतदार कौम है। तो कुछ समय की बात है, पाकिस्तान एक और टुकड़ा होने वाला है, जो जिसके लिए कांटे बोता है ना, वो उसी के लगते हैं कांटे। तो ये बात पाकिस्तान पर सही से दोने वाली है। मैंने आपको वीडियो में तो दी जानकारी, वो आपको किस प्रकार लगी, आपको लगता है या नहीं लगता कि पाकिस्तान टूटेगा? मुझे तो लगता है पाकिस्तान पक्का टूटेगा 2047 तक, एक हिस्सा इसका और बनेगा, एक देश और बनेगा, जैसे कि बांग्लादेश बना था। जय हिंद, जय भारत।